आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आपके लिए लेके आया है आस्क योर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 522। आज का प्रश्न पूछा गया है एरी डी के जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, कैन यू प्लीज हेल्प अस विद योर वैल्यूएबल इनसाइट ऑन सेल स्टॉक एनालिसिस प्लीज। इफ आई कैन एंटर एट करंट मार्केट प्राइस और इफ द प्राइस इज गोइंग टू कम डाउन बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस प्लीज। तो देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं सेल is one of our oldest recommendation on our channel. और जब इसका भाव तो बहुत ही नीचे था तब हमने इसको recommend किया था, अभी तो बहुत अच्छे return दे चुके हैं। तो एरे जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपका शुक्रिया करते हैं, आप हमारे चैनल पर आए हैं। चलिए चलकर इनका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। इन जनरल सेल का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में बताएंगे कि क्या है सही एंट्री लेवल सेल के लिए। सबसे पहले अगर आपको बताएं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वन ऑफ द गवर्नमेंट PSU, और यहां पर जो सरदार पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, उसमें मोर देन 50% जो स्टील यूज हुई है वो सेल के द्वारा ही यूज है। तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट की पीएसयू होने की वजह से जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं को कंट्रीब्यूशन मिलता है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज। देखिए दोस्तों, हमने अपने चैनल पर इसको रिकमेंड किया था, करीब 44 रुपए के आसपास इसका भाव था। कई बार रिपीट रिकमेंड किया है, 39 पर भी रिकमेंड किया है, 44 पर भी रिकमेंड किया है। दिस वॉज द डेट जब हमने इसको अपने वीडियो पर लास्ट चैनल बनाया था और इसको बोला था आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। आइए चलकर देखते हैं इसकी मार्केट कैप की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो मार्केट कैप की दृष्टि से 24,000 करोड़ की कंपनी है। एक लार्ज कैप कंपनी की तरह से आप इसमें 5% से 10% तक का निवेश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पी की दृष्टि से देखा जाए तो इंडस्ट्री का पीई 12 है और इसका पीई करीब करीब 17 के आसपास है, तो यह भी एक अच्छे पैरामीटर पर दिखाई देता है कि लोग बाग इसकी वैल्यूएशन को अच्छी समझ रहे हैं। यहां पर आपको पता ही होगा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना है। उसके लिए उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन होना है और स्पेशली डिफेंस सेक्टर में जितनी भी स्टील जानी है वो सारी की सारी सेल को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात चल रही है, जिससे बहुत अच्छा आउटलुक बनेगा इस कंपनी का लॉन्ग टर्म की दृष्टि से। अब अगर आप यहां पर सेल्स की फिगर देखे जाए तो सेल्स की फिगर की दृष्टि से भी काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी आगे आने वाले समय में। और यहां पर प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो प्रमोटर होल्डिंग में 75% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, FII की महज 3% होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी ने 11% तक होल्डिंग किया हुआ है और साथ ही साथ में आप और हम जैसे लोग करीब 6% की होल्डिंग इसमें रखते हैं। सेल की हमने जो आपको पहले ब्रेकिंग न्यूज बताई थी उसका खुलासा करते हैं। सेल के पास में एक्सक्लूसिव ऑर्डर है पावर बॉयलर बनाने के लिए BGR एनर्जी की तरफ से, और पावर बॉयलर की जो आगे आने वाले समय में है एक स्पेसिफिक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है BGR एनर्जी का, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसकी जो ग्रोथ रेट है वो मोर देन 12% CAGR रहेगी। तो जब BGR एनर्जी को डिमांड होगी वही स्टील सेल के द्वारा प्रोवाइड होगी, इसकी वजह से दोनों को स्टॉक में अच्छी उत्पादन रहेगा, लॉन्ग टर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा यहां पर। तो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाए एरी जी, टेक्निकल ये एक अभी एनालिसिस करेंगे हम यहां पर, बट अगर आप फंडामेंटल देखें तो बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। आप 5% से 10% तक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। किस लेवल पर ऐड करना है उसके लिए चलिए चलकर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर पर आपको सब चीजें पता लग जाएंगी। तो देखिए, अगर आप इसका पुराना चार्ट देखें तो इसने काफी अच्छा अपवर्ड चैनल बनाया है। यहां से जब से कोविड का लेवल निकला है उसके बाद से जो ये चैनल बना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल यू कैन सी हियर। तो अगर देखेंगे हम इसको, यहां से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस चैनल को इसने बहुत बखूबी मेंटेन करके रखा हुआ है। कभी ऊपर जाता है कभी नीचे सपोर्ट लेता है और अभी ये चैनल के हायर एंड पर है। तो क्लियर कट मैसेज है कि यहां से अभी डायरेक्ट करंट मार्केट प्राइस पर तो खरीदिएगा मत, क्योंकि चैनल के अपर रेंज में है। ये चीज आपको सीखनी है टेक्निकली यहां पर। अब दूसरी चीज आपको सिखाते हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट इंडिकेटर बुलियंजर बैंड क्या कहता है। देखिए, बुलियंजर बैंड आपको बता देता है कि कहां पर ओवरबोर्ड जोन है, कहां पर ओवरसेल जोन आ रहा है। तो देखिए, ये यहां पर अभी ओवरबोर्ड जोन में है, 58 के आसपास की इसकी लेवल चल रहा है। अगर इसको देखें रिट्रेस करने के लिए और इसका लेवल भी जो देखेंगे 70% के आसपास आ गया है, तो यहां पर मत खरीदिएगा इसको बुलिंजर बैंड के बेसिस पर। अगर इनका देखें ये थोड़ा नीचे आए और बुलिंजर बैंड का मीन जो है थोड़ा ऊपर जाए तो 52 के आसपास इसका टारगेट लग रहा है कि आने वाले समय में 52 जरूर दिखाई देगा चार्ट पर, तो अभी मत खरीदिएगा। एग्जैक्ट लेवल आपको आगे बताते हैं।
यहीं पर अगर हम अपनी अगली स्टडी दिखाएं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जो आपको बता देगा कि क्या आपको एंट्री करनी चाहिए या यहां पर अभी थोड़ा अवॉइड करें। तो देखिए पिछले 10 दिनों से यहां पर लेवल ऊपर चल रहा है 87 के आसपास। 80 के ऊपर कभी भी मत खरीदिएगा दोस्तों, ये एक सिंपल रिटेल इन्वेस्टर का आप एक गुरु मंत्र समझ लीजिए हमारे से। जब भी RSI 80 के ऊपर है आप उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। लेट इट गो वेयर इट गो, जब तक वो नीचे नहीं आता है आपको रिटेल इन्वेस्टर की तरह से नहीं खरीदना है इस स्टॉक में। तो अभी करंट लेवल पर तो बिल्कुल खरीदने की सलाह नहीं देगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर अब हम करंट लेवल पर नहीं खरीदें तो कहां पर खरीदें। देखिए उसके लिए आपको एक रामबाण बताते हैं, आपको फिबोनाची आर्च से सीखना है। अगर फिबोनाची आर्च का देखें जो लो लेवल से ऊपर हाई गया है, पहला रिट्रेसमेंट जो आएगा 62% का वो है 49 रुपीज के आसपास। तो जो सबसे पहली सपोर्ट मिलेगी इसकी 49 रुपीज के आसपास मिलेगी। अगर इसने 49 रुपीज ब्रेक किया तो 45 और उसके बाद में 42। तो आपको हम स्टैगर्ड मैनर में खरीदने की सलाह देंगे। सबसे पहला स्टॉक जो आप खरीदेंगे वो 50 रुपए के आसपास खरीदिए, उससे नीचे मत खरीदिएगा। दूसरा लेवल जो है वो 45 रुपए के आसपास है। ये दो हमारी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा शेयर, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पर उसके बाद की जो थर्ड वैल्यू है वो करीब करीब हमारे चार्ट के हिसाब से 37 का वैल्यू आ रहा है, जहां पर आप अगर उसको खरीदेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। उसको अदरवाइज कैश की तरह से रखिए। अगर 37 नहीं आता है कोई बात नहीं, आपके पास कैश बचा हुआ है। तो ये तीन लेवल है हमारे हिसाब से जहां आप खरीद सकते हैं इसको स्टैगर्ड मैनर में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन प्लीज जरूर दबाना। हमारे हिसाब से अगर आप 3 साल का टारगेट पूछ रहे हैं सेल का, तो अभी से 90 रुपए का टारगेट रहेगा सेल के आगे आने वाले टाइम के लिए। तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी इसमें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्टिव इंटरडे पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं 8,000 रुपीज पर मंथ के चार्जेस पर, और चाहे तो आप ये यूज कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कीजिए। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत है हमारे 1600+ वीडियो के सिलेक्शन से। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद गाइस, बाय।